हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी क्विक नमकीन। आज हम रोस्टेड नमकीन बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही क्विकली बन जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे इंस्टेंट बना के खा सकते हैं और ज़्यादा दिनों तक इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने हमीदास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ हमीदास किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। रोस्टेड नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में 2 कप पोहे लेंगे और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और ये पोहे हमने पतले लिए, ध्यान रखिए जब भी आप पोहे लिए वो पतले वाले पोहे लिए। और देखिए ये पोहे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये रोस्ट ना हो जाए। इसका हल्का कलर हमें चेंज करना है और इसे बराबर चलाते रहना है ताकि ये जले ना। ये पोहे हमारे रोस्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इसे हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब उसी बर्तन में हम 2 चम्मच ऑयल लेंगे। अब इसमें हम मूंगफली डालेंगे, ये हमने कच्ची मूंगफली ली है 100 ग्राम। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना जैसे आप खाते हो मूंगफली नमकीन में पसंद करते हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं मूंगफली को। और इसमें ऑयल का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं थोड़े से ताकि जो हमारी मूंगफली वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो रोस्ट हो सके, अच्छे से फ्राई हो सके। मूंगफली हमारी चटकने लगी है। अब इसमें हम सूखा नारियल, ये हमने पतले पतले स्लाइसेस कर लिए उसकी, वो ऐड करेंगे। थोड़े से काजू और बादाम, उसे हमने हाफ हाफ पीसेस में कट कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये बिल्कुल ऑप्शनल है। थोड़े से किशमिश, गैस की फ्लेम को हमने लो मीडियम पे रखा है और इन सब चीजों को हल्का रोस्ट करेंगे हम। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली सब रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम जिस बर्तन में हमने पोहे को निकाला है उसी में निकाल लेंगे इसे भी। अब ये जो हमारा बचा हुआ ऑयल है इसमें हम 1/2 चम्मच सरसों डालेंगे, 2 चुटकी हींग, थोड़े से कड़ी पत्ते। अब ये हमने थोड़े से सफेद तिल लिए है वो हम इसमें डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें जो हमने पोहे और सारे नट्स रोस्ट किए थे वो इसमें डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। नमकीन में थोड़े तीखेपन के लिए इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रहे हैं। आप चाहे तो हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप तीखा मीठा नमकीन पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। नमक डालेंगे थोड़ा सा और इसे मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पे ही रखा है। और ध्यान रखिए जब भी आप नमकीन बनाएं तो ज़्यादा हाई फ्लेम में ना बनाएं, नहीं तो जो आपका नमकीन है वो जल सकता है। ये रोस्टेड नमकीन हमारा बन चुका है। अब गैस हम ऑफ कर देंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा रोस्टेड नमकीन सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ईजिली बन जाता है, ये बहुत कम समय में बनता है। आप इसे आसानी से बना के स्टोर करके 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होता है। तो आप इस टेस्टी नमकीन को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप चाहे तो इसे खट्टा मीठा भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमीदास किचन को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपने कमेंट भी हमें भेज सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।